दिया और हमने ने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा था कि हम आपके गठबंधन में ना आना चाहते। लोगों ने हमें हमारी ताकत को देखकर हमें बुलाएं, तो इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी का विस्तार कर रहे हैं। झारखंड में है और झारखंड की राजधानी रांची में कल ही वो पहुंचे हुए थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और आज वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें अपनी खूबियों को गिनवा रहे हैं। पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है इस पर बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कितनी मजबूती के साथ वीआईपी आगे बढ़ रही है। जब उनसे सवाल किया गया गठबंधन को लेकर, एनडीए गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम हारने के बाद भी जब मंत्री बन सकते हैं तो आप समझिए कि वीआईपी की ताकत क्या है। उन्होंने ये कहा कि मछुआरे का बेटा हूँ, लड़ना जानता हूँ और इसी तरह से आगे बढ़ता रहूँगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमने चुनाव लड़ना सीख लिया है, लेकिन अब लोगों को हराना कैसे है इसका प्रयत्न करना है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। हम लोग काशी राम जी को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और काशी राम जी का लाइन है कि एक इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार लड़ना चाहिए उनको समझने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दूसरी बार लड़ना चाहिए आपको हराने के लिए और तीसरी बार लड़ना चाहिए जीतने के लिए। तो हम लोगों ने चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो सीख चुके हैं। अभी हम लोगों का लड़ाई है कि हराने का, और जिस रोज हारने लगता है लोग उस रोज हमें जीतने का भी मौका मिलता है। आपको पता होगा 2019 में बिहार में उपचुनाव हमने लड़ाई लड़ा, यूपीए के साथ लड़ा, हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन 19 में ही उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हमने मजबूती से लड़ा और वहां पे भी हमने चुनाव हार गया, लेकिन 25,000 वोट वीआईपी पार्टी को मजबूती से मिला और हमारे वजह से वहां पे एनडीए वहां पे 15,000 वोटों से चुनाव उनको हारना पड़ा। और उनके बाद लोगों को लगा कि मेरे पास 25,000 वोट मतलब 15% वोट है। और जब 2020 का समय आया तो अब जिस तरीके से हमने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तो हमारे पास सामने से चल के लोग आए कि आप हमसे गठबंधन कीजिए, मजबूती से आप समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और हमने ने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा था कि हम आपके गठबंधन में ना आना चाहते। लोगों ने हमें हमारी ताकत को देखकर हमें बुलाएं, तो इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट तो कम ज़्यादा होता ही है, चुनाव में दो ही परिणाम आता, हार या जीत, लेकिन हार से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में हार जीत लगा रहता है। और एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार जीतेंगे। जिस तरीके से बिहार में हमने 2 बार हारा, लेकिन तीसरी बार तो हारे और जीते। और हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए, क्योंकि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे हारने के बाद भी हम मंत्री बने, हमारे वजह से सरकार है, तो ये जिंदगी में लगा रहता है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सीट के कारण केंद्र में सरकार गिर गया, लेकिन आज देश में सरकार उनके हैं। एक समय उनके 2 भी सांसद होते थे, आज कितना है। तो जिंदगी में हार जीत होता है। कभी इंदिरा गांधी के बारे में आप सुने होंगे, 440 सीट के साथ देश में सरकार चलाती थी, आज उनका पार्टी का क्या हाल है। तो ये देश में परिवर्तन होते रहता है। जो कांटा घड़ी का 12 पे है उसको 6 पे आना है, और जो 6 पे है उसको 12 पे जाना तय है। सिर्फ उसके लिए आपको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। धन्यवाद। तो आपने मुकेश सहनी को सुना, उन्होंने तमाम बातें गठबंधन के लोगों के लिए कही है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से मजबूती के साथ वे बिहार में अपने कदम जमाए हुए हैं। उनका अलग अलग चुनावों में परफॉर्मेंस देखने के बाद ही एनडीए में उन्हें शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि हम सामने से कभी नहीं गए थे न्योता मांगने के लिए कि हमें साथ शामिल कर लीजिए एनडीए में, लेकिन लोग सामने से आए क्योंकि उन्हें पता था कि मुकेश सहनी की ताकत क्या है और कितना फर्क चुनाव में उनके रहने या फिर ना रहने से पड़ सकता था। उन्होंने अपने मंत्री होने की भी बात कही, तमाम सिचुएशंस को बताया कि कैसे सिचुएशन में उन्हें मंत्री बना दिया गया और उनकी ताकत क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।